डील हो गई। डिफेंस मिनिस्टर यहां बैठी हैं। वाड्रा कहां था जो डील हो जाए? उन्होंने पहले कहा कि मैं देश को हवाई जहाज का दाम बताऊंगी, पब्लिक में कहा। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियरली बोला कि मैं ये आंकड़ा नहीं दे सकती हूं, क्योंकि फ्रांस की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार के बीच में एक सीक्रेसी पैक्ट है। मैं स्वयं फ्रांस के राष्ट्रपति से मिला और मैंने स्वयं फ्रांस के राष्ट्रपति से यह सवाल पूछा, क्या ऐसा कोई पैक्ट हिंदुस्तान की सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में है? और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुझे बताया कि ऐसा कोई पैक्ट हिंदुस्तान की सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में नहीं है। यह सच्चाई है। और उन्होंने मुझे बताया इससे कहने से मेरा कोई इतराज नहीं है। आप यह बात पूरे हिंदुस्तान को बताइए। असत्य बोला है। उसके बाद जब यह निर्णय लिया गया यस वन मिनट व्हाट इज इट आप बैठिए। मालूम है मुझे वो सदन में उपस्थित है, उनका नाम लिया गया शायद डिफेंस मिनिस्टर। मैडम इज नॉट यील्डिंग। आई विल अलाउ यू ऑल्सो आफ्टर इट। आई नो आप बैठिए ना। मैडम ही नॉट यील्डिंग। आई नो दैट। इसके बाद मौका देंगे आफ्टर। मैं इसके बाद आपको मौका दूंगी। अभी वो यील्ड नहीं कर रहे हैं। उनके बाद रिप्लाई का मौका आपको देंगे। उत्तम द डिफेंस मिनिस्टर हैज क्लियरली स्पोकन एन अनट्रूथ। The fact of the matter is that the French president personally has told me that there is no बार बार डिफेंस मिनिस्टर का नाम लिया जा रहा है इसमें, इसलिए आपके बोलने के बाद आपको बिल्कुल मौका दूंगी, क्योंकि